हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस की अनूठी पहल, रसद के 100 कीट बांटे। पाली जिले के सोजत रोड थाना पुलिस स्टाफ ने सामाजिक सरोकार की एक अनूठी मिसाल कायम की है। पुलिस ने मानवीय पहल करते हुए कस्बे के गिरधर कॉलोनी में भाट समाज के लोगों के बीच में जाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को सूखी खाद्य सामग्री के 100 कीट वितरण किए, जो एक अपने आप में मिसाल है। सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ की प्रेरणा से पुलिस स्टाफ ने आपसी सहयोग बनाकर पैसे इकट्ठा कर स्टाफ ने बाजार से सूखी खाद्य सामग्री में आटा, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज व हरी सब्जी खरीद कर 100 कीट बनाकर शुक्रवार शाम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरण किए गए, जिसमें थाना अधिकारी सीमा जाखड़ सहित कस्बा पुलिस चौकी सोजत रोड प्रभारी घनश्याम लाल, कांस्टेबल किशोर कुमार, कांस्टेबल सुभाष गुर्जर, नरसिंह राम, ओम प्रकाश सहित उपस्थित थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़, इन्होंने ये कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब से ये लॉकडाउन लगा है उसके बाद एक मुहिम चलाई है कि कोई भी भूखा न सोए। उसी की तर्ज पे हमारे डीजीपी साहब ने हमारे सभी एसपीस को डायरेक्शन दिया है। एसपी साहब ने हमें सभी एसएचओस को किया। इसी में मैंने स्टाफ से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैडम हमारी गिरधर बस्ती है जहाँ भाट समाज के लोग हैं जो जिनके पास में मकान भी नहीं है, कच्ची बस्ती में रहते हैं, इनके खाने पीने की सामग्री के लिए लॉकडाउन के दौरान बहुत अव्यवस्था हो रही है, कंटेनमेंट जोन था। इसी को देखते हुए हमारे सारे स्टाफ ने पैसे इकट्ठे किए अपने तनख्वाह में से और इनके लिए 100 किट बनवाए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि जरूरतमंद लोगों को हमारी तरफ से छोटी सी एक मुहिम जिससे और भी लोग प्रेरित होकर जरूरतमंद लोगों को सहायता कर सके, इसके लिए हमने आज चलाया है ये मुहिम। वैसे कई लोगों ने हमारे से पहले से भी ये कार्य कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लॉकडाउन चालू है, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन भी था तो ये लोग बाहर नहीं जा पाए थे, इसलिए इनको अभी तक इनको जरूरत थी, इसलिए हमने थाने की तरफ से एक छोटी सी मुहिम की है। जय हिंद। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।